अस्सलाम वालेकुम सलाम। शेख, मेरा सवाल ये था कि या रसूलुल्लाह कहना या ऐसी ना जिसमें या रसूलुल्लाह हो, उसे पढ़ना जायज है? अगर इस अकीदे के साथ कोई ऐसा कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं, नाजिर हैं, तो जायज नहीं है। तो जिन अहादीस के अंदर रसूल या रसूलुल्लाह जैसे अल्फाज का जिक्र आया है, तो वहां पे ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। अगर इस अकीदे के साथ कोई कहता है तो ये जायज नहीं है जी। और अगर कोई ऐसा नात पढ़ते हैं तो जायज है ना, तो पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं? मेरे भाई, जो लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका अकीदा यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं जी। जैसे अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है, अल्लाह गैब जानता है, उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका अकीदा है। तो लिहाजा इस तरह के नात, इस तरह के अशआर पढ़ना जायज नहीं है, क्योंकि ये वही लोग पढ़ते हैं। बाकी ऐसी कई सारी दुआएं भी हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब के सिग़े के साथ जो है जिक्र आया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन वहां पे ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाज़िर हैं।